ये वीडियो ये सूचना देने के लिए नहीं है, ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी ये सूचना कि डीपीआई कॉलेजेस के सारे क्लरिकल स्टाफ ने लंबी छुट्टी, क्या ये जो लेटर है आपके सामने एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं है ये सूचना है, ये देखिए आप जी दे सूचना हित आपको बताया, हायर अथॉरिटी को बताया जा रहा है। इस लेटर में क्या लिखा है, कलेक्टिव जो छुट्टी ली है इन्होंने, कि हमें देर रात तक बैठना पड़ता है, नंबर एक, हमें डिफरेंट जगह पर बुलाया जाता जा रहा है क्योंकि शायद वो धरने वगैरह लगे हैं, वो कारण हो सकता है, ठीक। तो कंप्यूटर की कमी जिन पर इन्होंने काम करना होता है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है ना कि आपके लिए कम से कम जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करने हैं उस प्रोसीजर के लिए काम ये करना पड़ता रहा है, तो आपके लिए पॉजिटिव इसको इंटरप्रिटेशन एक तो करनी चाहिए आपको कि आपके लिए संघर्ष हो रहा है, आपको रात तक फोन आ सकते थे जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये है, ठीक है। वो काम को निरंतर चलाने के लिए जगह जगह पर अगर एक जगह रुकावट है तो हायर अथॉरिटी जो सिंसियर है, जो ईमानदार है, वो दूसरी जगह पर वो रस्ते ढूंढ लेता है, अच्छा इंसान रस्ते ढूंढ लेता है और जो काम नहीं करना चाहता वो छोड़ जाता है, ये आपको पता है। अच्छा, ये कहते हैं सस्पेंड और चार्जशीट, ऐसी धमकियां भी दी जाती है जब काम किया जाता है, जब काम पूरा नहीं होता। ये लेटर पंजाबी में आप सारी यहां से भी पढ़ सकते हो, मैं सारी नहीं पढ़ रहा हूं। मेरे ख्याल में जब मैंने एडवोकेट से बात की थी, आपने जब क्वेश्चन पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर में से किसी ने कि ये जॉब टेम्परेरी है जब परमानेंट, तो मैंने एडवोकेट्स से बात की तो वो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब से किसी को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक। दूसरी तरफ ऐसी जनता है, हम लोग हैं, हम 20 साल से 20 ईयर से, देखो कई तो ऐसे हैं वो अपना खो चुके हैं, 45 के हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पंजाब में ही हो रहा है, ये अलग बात है। तो 20 साल से जिसकी वेट कर रहे हैं उसके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है कि जब 20 तारीख को, देखिए 20 तारीख को ही जजेस ने वो डिसीजन देना है, सभी उस दिन की वेट कर रहे हैं और ये छुट्टी भी 20 तारीख को ही क्यों शुरू हो रही है इनकी, ठीक। सिर्फ इन प्रॉब्लम्स के कारण इसकी और इंटरप्रिटेशन क्या होगी आगे चल के करते हैं। और छुट्टी भी थोड़ी नहीं है, लगभग एक महीने की है, 20/12 से लेकर 24/1/2022 तक छुट्टी है। और ये सभी चीफ मिनिस्टर साहब को, ठीक है, हायर एजुकेशन जो मिनिस्टर है उनको, जो डीपीआई ऑफिस है, स्मूथ मीडिया, टोटल मीडिया को भी ये बताया गया है, इतनी ये ओपन सारा कुछ कर दिया गया है। लेकिन इंटरप्रिटेशन इसकी करनी है तो सिर्फ इस लेटर की इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये हमारे इंडिया की प्रोग्रेस की जो बातें करते हैं, एक वो लोग हैं जो बाहर कनाडा अमेरिका चले जाते हैं, अगर आप वहां जाते हो तो क्या ऐसा संभव है, हाँ वहां कंप्यूटर होंगे, वहां फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या ऐसे काम को छोड़ के आप जा सकते हो। नंबर दो, प्राइवेट वर्ल्ड को आप देख लो, प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट स्कूल में आप इतनी छुट्टी कभी डिमांड कर सकते हो, ऐसे लेटर लिख सकते हो। तो ये अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हमारे पास भी पावर है, लेकिन उस पावर का प्रयोग किया कैसे जा रहा है, किसी काम की प्रोग्रेस के लिए जहां किसी खास समय पर किसी काम को रोकने के लिए, ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी सोच रहे हैं और बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक। अगर आप प्राइवेट वर्ल्ड की बात करें, जो ये लोग इतने रो रहे हैं, इनको कहो कि इतने कंप्यूटर में काम करना है और इतनी रात को काम करना है और इतनी सैलरी मिलेगी आपको, ठीक। तो ये सारे लोग तैयार हो जाएंगे कि हमें ऐसा काम दे दो, ये हालत है। जब हमें मिल जाती है जॉब तो हम उसी सिचुएशन को किसी और ढंग से, किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब क्या इन लोगों को पिछले सालों में जब जो काम कर रहे थे, क्या इन्होंने उतनी
कंट्रीब्यूशन या मेहनत से किया है कि एकदम ये डिप्रेशन में कहते चले गए हैं, बीमार हो गए हैं। इट मींस काम करने की आदत नहीं है। जिसको काम करने की आदत है वो जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो जल्दी बीमार नहीं होता। हाँ, बीमार कोई होता है, उसके साथ हम हैं, उसके साथ वो है, उसके साथ परिवार है। वो बीमारी का कारण क्या ये वर्कलोड बना है? अगर वर्कलोड बना है तो क्या हरासमेंट हुई है? क्या वहां कानून कोई दखल नहीं दे सकता क्या? और कोई किसी एप्लीकेशन से, रिक्वेस्ट से ये बात नहीं बनती थी कि सभी को 60 जनों को कम से कम मतलब इतने दिनों के लिए मेन डीपीआई ऑफिस का काम नहीं चलेगा? और तब नहीं चलेगा कि जब आप लोगों की ये जो प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, आगे चलनी है। दूसरी तरफ इन्हीं दिनों में अंदाजा है कि जनवरी 1 तक कोर्ट लग जाएगा, ठीक। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन करनी बड़ी ही डिफिकल्ट है। पर ऐसा कह देना कि ये स्टेप इंडिया की प्रोग्रेस, पंजाब की प्रोग्रेस, जहां हमारे यहाँ आने वाले जो है पंजाब के भविष्य की प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूटरी होगा, तो ऐसा नहीं है। पर सोचना ये है कि ये ऐसी सोच आई कहां से कि सभी ये इतने जने जो छुट्टी का सोच रहे हैं। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी की जा रही है कि इन दिनों में जब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट चल रही है, डिसीजन आने वाला है, उस प्रक्रिया में रुकावट डालने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल है। पर ऐसा क्यों हो रहा है ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि कहीं भी अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या डिपार्टमेंट में अगर सिंसेरिटी से कोई काम करना चाहता है, तो जैसे आप फॉरेन में जाके कनाडा, अमेरिका या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मैंने एलपीयू में काम किया है, मुझे पता है कि मैं भी वहां रात 1:30 बजे तक कई बार हमें रुकना पड़ता था जिन दिनों में इंस्पेक्शन होती थी। तो वहां तो कोई भी इतने दिनों के लिए छुट्टी नहीं ले सकता। प्राइवेट वर्ल्ड में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई 2 दिन की छुट्टी लेनी हो तो उसको लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, प्राणायाम करना पड़ता है और सोचना पड़ता है, और उनकी सैलरी भी कटती है, गर्दन भी कटती है, सांस भी कटती है। तो यहां पर इतना बड़ा डिसीजन लेने का कारण क्या हो सकता है? निराशा है, ये पक्की बात है, ये अच्छी बात दिखाई नहीं दे रही। हाँ, आपके लिए ये जरूरी है कि आप इतने अलर्ट हो जाइए अगर, क्योंकि ये वापस नहीं आते, हालांकि इसका जवाब दे दिया गया है, मैं आगे बताता हूं, आपको पता ही होगा। आप अलर्ट रहिए कि अगर ये संघर्ष अलग से चल रहा है, उधर कोर्ट आपके फेवर में अगर डिसीजन देती है, हमें किसी को नहीं पता कि कोर्ट में क्या डिसीजन देना है, तो आपको ही वहां जाके मतलब इस प्रोसेस को जो है फैसिलिटेट करना पड़ेगा, अपने लेवल पर करना पड़ेगा। ये भी सूचना मिली है कि यहाँ पर वहां फीमेल टीचर जाते हैं तो लगभग उनकी हालत बुरी होती है, वो वहां डिस्टर्ब होते हैं और वहां पर जाके उनका टाइम काफी कंज्यूम होता है, ठीक। तो ऐसी हालत में उन टीचर्स का जो जानकारी लेने आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, अपने सोल्यूशन लेने के लिए आते हैं, उनका क्या होगा? मैं खुद चलो अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता कि इतनी दूर जाके वहां आपको अगर लॉक मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता, तो ये आपने ये भी पढ़ लिया होगा लेटर, उसका जवाब जो दे दिया गया है, ऑफिस डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब एसएएस नगर मोहाली बाय ऑर्डर डायरेक्टर पंजाब पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब मास लीव अर्नड लीव अर्नड लीव ऑफ द स्टाफ ऑफ द ऑफिस डीपीआई कॉलेजेस जो 20 से 14 तक थी, हियर बाय इज रिजेक्टेड, ठीक। दूसरा है, द स्टाफ इज ऑर्डर्ड टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी ऑन मंडे, ठीक, जिस दिन आपका कोर्ट का जवाब आना है। इसके अलावा, हाँ, 9 बजे तक एट द कंप्यूटर सेंटर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज ऑर्डर विल इनवाइट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन
एज पर द रूल अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स दीज ऑर्डर्स आर बीइंग इशूड आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 17th को ये जो है उनको जवाब दे दिया गया है। तो ये एक तरह से ओपन देखिए युद्ध दिखाई दे रहा है। एक किसी शख्स ने मुझे पूछा था ये लॉटरी सिस्टम कैसे है, हालांकि लॉटरी में भी प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी होती है। तो पंजाब या इंडिया के सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में सर्टेनिटी तो कहीं भी दिखाई, प्रोबेबिलिटी भी अब दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कौन सा नया फैक्टर आ जाएगा, ये एक नया फैक्टर है हमारी सिचुएशन में, तो जो अच्छा नहीं है, जो नेगेटिव है। लेकिन जो आपके लिए क्या कह रहा है कि और सतर्क हो जाइए और अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इन दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन और कोर्ट के दिन बहुत नजदीक आ चुके हैं। हमें सभी को वेट है कि 20 तारीख को वो हियरिंग में क्या होता है उसकी वेट करते हैं, लेकिन अलर्ट रहना होगा। रात को मैंने फोन में कहा था, पिछले वीडियो में कहा था कि रात को 1:30-1:30 बजे फोन आते हैं, वो अपना एरोप्लेन मोड पर लगाकर मत सोइए। तो ये बात सत्य है, अभी कुछ दिन आप अपने फोन को 24 घंटे ऑन रखें, अलर्ट रहें, और जो भी होता है उसको एनालाइज करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, डिस्टर्ब नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं खुद जाना। ये जो 20 साल निकाले हैं, 15 साल निकाले हैं, किसी ने 10 साल निकाले हैं, किसी ने 5 साल निकाले हैं इन जॉब्स की वेट करते हुए, वो भी टाइम हमने गुजारा है। दूसरी तरफ उनको देखिए जो प्राइवेट में अभी भी सड़ रहे हैं, पिस रहे हैं, अपना जो प्लेटलेट्स है ना निकाल निकाल के दे रहे हैं, तो वो भी एक वर्ल्ड है, वहां पर भी अंडरपेड, आपको सब कुछ पता है, ऐसे कभी सोच ही नहीं सकते, कभी वो वैसे धरने लगा ही नहीं सकते। तो आप जो सिलेक्ट होने जा रहे हो, जहाँ बहुत नजदीक हैं, जहाँ जो हाई मेरिट में हैं, है ना, जिनको आज किसी ना किसी तरह से लग रही है, वो कम से कम इतना तो शुक्र करें कि हाँ वो इतने जनों को पीछे छोड़ के आगे आए हैं। ठीक, तो बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, analyze the situation and react, don't react but reflect on situation, life is temporary, jobs are sometimes permanent।